नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग काफ़ी बार देखते हैं कि हम जैसे माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट हम कई बार नहीं देख पाते, तो रिजल्ट देखने के लिए हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, या कोई भी ब्राउज़र हो उसको ओपन करना है। उसमें ओपन करने के बाद हमको गूगल पर क्लिक करना है। गूगल पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हमारा गूगल खुल जाता है, तो फिर हमको इसमें अपने गूगल में डाल देना है mcu.ac.in। इसको डाल देना है। इसको डाल देने के बाद हमारे पास माखनलाल चतुर्वेदी की वेबसाइट, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, वो सामने खुल जाएगी। इस पर हम रिजल्ट वगैरह सब कुछ देख सकते हैं और उससे रिलेटेड कई जानकारियाँ मिलती रहती हैं इस पर। तो इस पर आगे रिजल्ट देखने के लिए हमको क्या करना है? तो वैसे तो मेरे सामने ये दिखा रहा है एग्जामिनेशन इन्फो एंड रिजल्ट, MCU रिजल्ट डाउनलोड। तो मुझे क्या करना है, अपना टाइप टू टाइप मुझे जाना है। तो मैं सबसे पहले जो पहले नंबर पर है उसी पर क्लिक करता हूँ, उस लिंक पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखते हैं मेरे सामने एक ऐसी लिंक खुल जाएगी, जो माखनलाल चतुर्वेदी की वेबसाइट है वो खुल रही है, धीरे धीरे खुल रही है। उसके बाद ये खुल चुकी है, वेबसाइट खुल चुकी है उसकी। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जैसे माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता लिखा रहा है, तो उसके बगल से ये तीन आइकन दिखाई दे रहे हैं जो डंडे टाइप के, वहाँ पर क्लिक करना है हमको। वहाँ पर क्लिक करने के बाद हमको दिखा रहा है ये होम पेज, अबाउट यूनिवर्सिटी, एग्जामिनेशन इन्फो एंड रिजल्ट, एकेडमिक डाउनलोड, ये दिखा रहा है। तो हमें इसमें से एग्जामिनेशन इन्फो एंड रिजल्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ऐसा ऑप्शन खुल जाएगा। तो उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें जो दिखाई दे रहा है एग्जामिनेशन दिसंबर 2019, जनवरी 2020 रिजल्ट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इसका जो लिंक है रिजल्ट की वो खुल जाएगी। देखते हैं क्या होता है। इसका रिजल्ट थोड़ा कल आया है ना, DCA फर्स्ट सेमेस्टर का और PGDCA का, इस वजह से इसकी वेबसाइट बिजी चल रही है। तो इसको मैं रात में चेक करूँगा, रात में इसका जो बाकी वीडियो है वो रात में बनाऊँगा, क्योंकि उस टाइम इसका सर्वर फ्री रहेगा। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। बाकी का वीडियो देखिए, ये बोल रहा है मतलब इसका सर्वर अभी बिजी चल रहा है, तो इसको बाकी को हम रात में बनाएंगे। तो अभी सुबह के 6 बजने वाले हैं लगभग। तो अब हम इस लिंक पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। जैसे ही हमने लिंक पर क्लिक किया, लिंक खुल गई है। तो जैसे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, देखिए परीक्षा का चयन करना है, आपने किसकी परीक्षा दी थी, BCA DCA PGDCA वगैरह, इसमें बहुत सी हैं, तो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप एकदम एक्यूरेट जाना चाहते हैं तो डिप्लोमा पर क्लिक कर लेंगे, अगर अपना डिप्लोमा है तो, या मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री पर क्लिक कर लेंगे ऐसे करके, या कोई बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री पर क्लिक कर लेंगे। तो मैं डिप्लोमा का ही रिजल्ट चेक करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। मैं यहाँ से देखिए DCA मुझे दिखा रहा है, डिप्लोमा ही होंगे इसमें सब। तो मैंने DCA फर्स्ट का रिजल्ट देखने के लिए, अगर मेरे पास रोल नंबर है तो मैं यहाँ पर रोल नंबर डाल दूँगा, और रोल नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको अपने कॉलेज का कोड पता होना चाहिए। मैं किसी कॉलेज का कोड डालता हूँ, मैं चलो 1067 ही डाल देता हूँ। मैंने ये डाल दिया, उसके बाद रिजल्ट पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए मेरे सामने रिजल्ट आ रहा है, ये चल रहा है। अगर आपके पास रोल नंबर भी नहीं है तो आप अपने कॉलेज का कोड याद रखिए, वहाँ से आपको रोल नंबर मिल जाएगा। रोल नंबर से ये फ़ायदा है कि आप अपने एक्यूरेट रिजल्ट को देख पाएंगे सब्जेक्ट वाई सब्जेक्ट। इसमें आपको टोटल बस पास मार्क्स दिखाएगा कि आपको कितने मार्क्स आए हैं, टोटल में यही रहेगा आपका रिजल्ट।